वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आज की डिस्कशन हमारी बड़ी पॉजिटिव होने वाली है। कल जब मैं आई थी और मैंने बहुत दिनों बाद अपना शो ज्वाइन किया तो मैं बात करी थी कि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सीख कर आई हूँ, और वो पॉजिटिविटी कब तक रहती है मेरे अंदर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम जरूर डिस्कशन करेंगे कि पॉजिटिव सोच होना और पॉजिटिव चीजों को अडेप्ट करना, उन पॉजिटिविटी की तरफ जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, पॉजिटिव एनर्जी बांटना और समेटना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली जब आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चलें तो पॉजिटिव होने से कितना इम्पैक्ट आता है और आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं और किस कदर इसका इन्फ्लुएंस होता है, इस पे आज हम डिटेल किस्म की डिस्कशन करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, आपकी पार्टिसिपेशन भी रहे। लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, लाइव कॉल करें। हमारे मेहमान हैं, बहुत मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं तारीफ करवाती चलूँ, हमारे साथ जनाब रुखसाना नवीद मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं क्लाइमेट चेंज की, और उसके साथ साथ डॉक्टर इरम हैं जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में, अभी अपना पीएचडी कर रही हैं, और सवाले से ये आज हमें बहुत बेहतरीन तौर पर गाइड करेंगी। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैडम आपकी जानेब आएंगे, आपके नज़दीक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग है क्या? पॉजिटिव थिंकिंग आई थिंक हमारे यहाँ कल्चर में अब इस वक्त जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था उसमें बच्चों को और बड़ों के साथ इंटरेक्शन और जिस तरह से तरबियत दी जाती थी तालीम के साथ साथ, वो चीज़ें सिखाती थी कि हमने किस तरह से अपने गिरदो नवाह में अपने सर्वेंट्स हैं या अपने बहन भाई हैं उनसे और अपने बड़ों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, उसमें ये चीज़ें सारी डेवलप होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से अब बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे को जो कि स्कूल जाता है प्री नर्सरी, तो उसे एजुकेट किया जाता है, वो टीचर्स करती हैं। वो उस तरह के कल्चर जो हमारे यहाँ पे है रिच कल्चर, वो वहाँ नहीं है। तो हम जो बच्चों को अपने प्यार से जो तरबियत देते हैं उस चीज को मैं कहती हूँ कि हम लोग आगे लेके नहीं चल सके। वो तरबियत को लेके नहीं चल और सके। अभी हम जब आप तरबियत की बात करी तो हम आजकल बहुत ज्यादा फोकस बच्चों के एजुकेशन पे करते हैं, तालीम पे करते हैं, उनकी तरबियत पे फोकस नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं एक्चुअली एक ट्रस्टी भी हूँ अलीगढ़ पब्लिक स्कूल्स की, तो कॉलेज भी है हमारा, अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे सर सैयद ने अलीगढ़ में फोकस किया हुआ था तरबियत को, और उसमें कितना बड़ा हाथ था पाकिस्तान बनाने में, वही स्कॉलर्स थे, वही एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने कायदे आज़म का साथ दिया, और वो एक तरबियत थी उनके अंदर, वो अभी तक रची बसी हम पुराने अपने जो देखते हैं एलिगेरियंस उनमें वो चीज़ है। और हम अपने अलीगढ़ स्कूल्स में भी ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि तरबियत पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर इरम, आपकी जानेब आएगी, हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। मैंने मैडम रुखसाना से पूछा कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके नज़दीक क्या, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। Okay, thank you very much. First, I need to congratulate you for picking up this topic because it's very important. अगर मैं आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के मीडियम से आपको इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँ, तो आई वुड से साइकोलॉजी डील्स विद रिपेयर मॉडल। साइकोलॉजी किस चीज़ पर डील करती है कि जो चीज़ आपके साथ काम नहीं कर रही, समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग, आइदर इट्स देर इज़ सम डिसबिलिटी और ऐसी कोई इशू है जो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, साइकोलॉजी उसके ऊपर काम करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट वर्क्स इन योर लाइफ, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं ये आपको बताती है कि व्हाट इज़ ऑलरेडी वर्किंग इन योर लाइफ एंड हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज ऑन दैट। ठीक है, आप कैसे एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक एक्सीलेंट लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज़ बेसिकली डेल्ट बाय पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब इसमें अगर आप देखिए तो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कहना बहुत आसान होता है कि आप जी मुस्बत सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, बहुत है ये। बट ऑब्वियसली जितना हमारी इस वक्त लाइफ कंपेटिटिव हो चुकी है, जो हमारे प्रेशर्स हम पर हैं, हमारे बच्चों पर हैं, एज ए प्रोफेशनल हैं, शायद वो पहली जनरेशन पेरेंट नहीं थे, हाँ, अब बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया ऑल्सो, बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल। सो आई वुड से कि आप जो है वो अपनी अपना जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो थॉट है वो एक्चुअली हमें डिफाइन करती है। सो अगर मेरी थॉट जो है वो नेगेटिव है,
जो कि साइकोलॉजी कहती है कि 70% ऑफ आर थॉट्स आर रिडंडेंट थॉट्स व्हिच मींस नेगेटिव थॉट्स है. सो अगर नेगेटिव थॉट्स आप इस चीज पर मानने के लिए तैयार हैं कि नेगेटिव थॉट्स आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी कॉज करते हैं, तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक वेरीफाइड बाय एविडेंस कि पॉजिटिव थॉट जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मिरेकुलसली चेंजेस लेकर आती है. और हर वो चीज जो आप सिर्फ एफर्मेशन के तौर पर कहते हैं कि जी मैं सुबह उठूं और माय डे इज गोइंग टू बी वंडरफुल, ओनली एफर्मेशंस वोंट ब्रिंग एनी चेंज. जब तक आपकी सोच आपके एक्शन में ट्रांसफर नहीं होगी, एक विजिबल चेंज आपकी लाइफ में आप देखेंगे नहीं. सॉरी इरम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव होना बहुत फर्क है. हम लोग सोचते बहुत ज्यादा है और कभी कभी पॉजिटिविटी के चक्कर में बहुत ज्यादा ओवर थिंक भी करते हैं और वो ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत नेगेटिव भी हो जाती है. पॉजिटिव रहने के लिए कुछ ऐसे तरीके, गुर कहते हैं ना जिससे हम कोई तरीके या कोई ऐसी चीज जो हमें एक पॉजिटिव दिन गुजारने के लिए, लाइफ गुजारने के लिए, वो क्या आप हमें बताएं? आई वुड सजेस्ट कि आपको एक्चुअली अपनी जिंदगी को मेजर करना चाहिए. यू आर द साइंटिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ. आप अपने पैटर्न्स को मेजर कीजिए. आप वो एक्टिविटीज, जैसे मैंने कहा कि अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए. आप किन एरियाज पर ऑलरेडी बहुत बेहतर है, वहां पर अगर आप थोड़ी सी मजीद अटेंशन जो है वो वहां फोकस डालेंगे तो आप मजीद वहां पर बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस. इट्स नॉट लाइक वेरी यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन आंसर आई कैन नॉट प्रोवाइड यू, बट आई कैन टेल यू इट्स अ कम्प्लीट लाइफ स्टाइल जो कि आपको अपनी लाइफ डिस्पोजिशन पर चेंज करना होगा. अगर आप समझते हैं कि मैं सिर्फ बाय सेइंग थिंग्स में जिंदगी में चेंज ले आऊंगी, जैसे हम पॉलिटिक्स में भी कहते हैं कि मेयर वर्ड्स डोंट काउंट एनीथिंग, आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा. बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जो हमारी वैल्यूज हैं. देखिए, फर्स्ट 7 ईयर साइंस सेज और साइकोलॉजी सेज के जो फर्स्ट 7 ईयर्स होते हैं वो आपके डाउनलोडिंग पीरियड होता है. आप सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीजें अपने पेयर्स, अपनी कम्युनिटी, अपने पेरेंट्स को आपने डाउनलोड की और फिर जो अगली सारा लाइफ है आपकी वो उसी को रेप्लिकेट करते हुए गुजारते हैं. अब अगर आप वो प्रोग्राम्ड लाइफ से एक कॉन्शियस लिविंग में जाना चाहते हैं, इट वुड रिक्वायर एफर्ट. ठीक हो गया मैडम. आपने अभी हमसे बात की और आपने बताया कि तरबियत, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो अभी हमें मजीद वर्किंग की जरूरत है. अगर हम पहले बात करें थोड़ा सा जनरेशन, पहली जनरेशन में जाएं, तो बहुत सारी चीज़ों में हमें छोटे छोटे जेस्टर्स फैमिली में ही सिखा दिए जाते थे. जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में फैमिली जो एक रूट्स हैं बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी. नानी, दादी, बच्चे आपस में कजिन्स के साथ बहुत सारी चीज़ें, मैनरिज्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव बातें, कुछ हो जाना तो माँ बाप ने आपस में नहीं झगड़ना बल्कि बच्चे को समझाना. अब वो चीज़ें बहुत सारी लैक कर रही हैं. बिल्कुल इसी चीज़ पर मैंने बात की थी कि ये चीज़ें जो लैक कर रही हैं हमें वो बच्चों में इनकलकेट करनी है किसी तरह से, कि बर्दाश्त का मादा जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में या अपने पीयर्स में आप देखते हो कि बर्दाश्त करने का मादा आप में आता है. अब वो जो हम देख रहे हैं आजकल के कल्चर्स में और आजकल के नौजवानों में, इवन बड़ों में भी देखने में आता है कि वो बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता चला जाए. एक दूसरे को हम लोग उस तरह से नहीं लेके चल सक रहे हैं जिस तरह से हमारे पुराने कल्चर. एक दूसरे के ओपिनियंस की हम वैल्यू नहीं करते, हम उनको exactly नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं. इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ें हमें लेके आनी हैं. और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अलीगढ़ स्कूल्स में तो ये चीज़ चल रही है, वही सिलेबस हम चाहेंगे कि पूरे मुल्क में अगर उसको हम यूज़ कर सकें कि बच्चों के भी टेस्ट होते हैं, टीचर्स के भी टेस्ट होते हैं उसी एक सब्जेक्ट पे. सही, तो वो चीज़ें हम लेके चलें तो इंशाल्लाह मुआशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है. पॉजिटिव सोच हमें लेके हर हाल में चलनी चाहिए. हर कोई अपने तौर पर जो भी जहाँ पे है, अगर वो छोटा छोटा अपना कोई वेलफेयर अपनी सोसाइटी में काम कर सके, अपने नेबर के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, जैसे क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से मैं बात करती हूँ, ये एक कैंपेन चल रही है. अब ये मुआशरे को बेहतर करने के लिए अगर कोई सोचे, जैसे हमारा एक है कि जी मुझे क्या इससे फ़ायदा होगा, मुझे क्यों आप कह रहे हैं ये करने के लिए. अब ये चीज़ क्लीन एंड ग्रीन है जो ये आपको खुद इफेक्ट कर रही है, आपको खुद इफेक्ट कर रही है, तो आपको ये करना है कि मैंने अपने सांस लेने के लिए बेहतर माहौल के लिए एक दरख्त लगाना है.
अच्छा ये भी तो एक बात है कि हम अभी चूंकि एरम भी कह रही थी कि हमारे पास प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं आजकल की जनरेशन पे, नो डाउट पहले और तरह के प्रेशर्स थे, अब हमारे सोशल प्रेशर्स भी हैं, हम लोगों को अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए खुद से फाइट भी करना है, अपने आप को मनवाना भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा फैक्टर्स आ गए। इवन सोशल मीडिया का एरम ने जिक्र किया, तो जिंदगी जितनी फास्ट होती चली जा रही है उतना ही हम बहुत सारी चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं और ये बहुत खतरनाक है। अब देखिए आइंदा तो मजीद हमें लग रहा है कि बहुत तेजी से और चेंजेस आएंगी, उसको कोप करने के लिए हमें जल्दी अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कुछ फैसले करने होंगे कि बच्चों को किस तरफ हम लेके आए। आई वुड जस्ट ऐड हियर कि अगर आप देखें कि इंसान की जो है वो एक एक्सेलेंट पॉइंट कौन सा है जिसमें आप प्रॉपरली होलिस्टिकली आप जो है ग्रो इवॉल्व हो सकते हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, ये आपकी वेलबींग की डेफिनेशन क्या है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में मार्टिन सेलिगमैन इज द फादर ऑफ द पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड दे हैव एक्चुअली कम अप विद 5 बेसिक कंपोनेंट्स जो कि एक इंसान की वेलबींग के लिए जरूरी हैं। आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी सोसाइटी में कम्युनिटी वर्क की उस तरह से नो हाउ नहीं है। अब आई टेल यू कि जहां हम बेसिक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हों वहां आप एक डेवलप्ड कंट्री की तरह की सोच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और फिर है आपकी रिलेशनशिप जो मैडम बात करी थी कि प्रीवियसली वी वर सो क्लोजली निट, हम बहुत ही वेल रूटेड थे। अब वो जो हमारा कनेक्शन है, although we are very well connected on Facebook and otherwise, लेकिन वो कनेक्शन एक टेम्परेरी है, हम बस इसको जानते हैं कि उसकी जाहिरी जिंदगी में क्या हो रहा है, किस तरह की लाइफ गुजारे, हमें उनके अंदर नहीं पता क्या exactly. और तीसरी जो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मुस्बत सोच, मुस्बत वैल्यूज करना अपने रिश्तों की जी, और मुझे एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस मिलती है कि हाँ मेरे अंदर मुझे कोई जो है वो एक्नॉलेज करने वाली मेरी फैमिली है, मैं किसी जगह पर बिलोंग करती हूँ। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी सेज कि हम सब एक दूसरे के साथ सोशल बींग्स हैं ना, वो हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। और लास्ट क्या है कि हम सारे ही अकम्पलिश्ड होना चाहते हैं। अकम्पलिश्ड का मतलब ये कि हम सारे आज की जो मिलेनियल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि हम कामयाब तरीन हों। ये प्रेशर्स हमारी प्रीवियस जनरेशन पे नहीं थे। उनके लिए जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी वो थे सेल्फ कंटेंटेड कर लेते, लेकिन आज आप देखिए हम सब ही एक्सीलेंट या सक्सेसफुल से नीचे तो हमारी कोई मतलब ट्रेडिंग नहीं करते Exactly. ना, हमें बस है कि बेहतर, नो डाउट एक तरह से ये एरम अच्छा भी है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में इंसान को रहना चाहिए, लेकिन वो वही बात कि हम अपनी रूट्स, अपनी जो एक कहने एक बहुत अपनी वैल्यूज हैं उससे दूर होते चले जाते हैं और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। रुखसाना आपकी जाने में दोबारा आऊंगी। अभी आप बात कर रही थी कि हमें जिस तरह से काम करने की जरूरत है बहुत तेजी से, इस पर अमल भी होना चाहिए स्टेट लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, अपना एजुकेशन सिस्टम हो या हम अपनी वेलफेयर या अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ चेंज ला सके। इनिशिएटिव लेना हर एक के बस की बात नहीं होती है और इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत सारे लोग रिलक्टेंट भी होते हैं, तो इनिशिएटिव किस तरह से लिया जाए? इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप अगर घर से ही अपनी फैमिली से ही लेके चलें इन चीज़ों को, कि केयरिंग, लाइक आपने भी इसका जिक्र किया इरम ने भी कि केयरिंग, अब आपने कोई एक सिबलिंग के साथ आप ज़्यादा अटैच्ड होते हो उसको साथ ले चलें, अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो, फादर के साथ हो, किसी के साथ भी आप अटैच्ड हो, उसी चीज़ को आप थोड़ा और बिल्ड करें कि उसके लिए आपने क्या करना है, वो करने का जो एक आपके अंदर जज्बा आता है वो डिवेलप हमने करना है, उसको अगर हम डिवेलप कर सकें। और ये इंशाल्लाह ये टीचर्स की जो ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं उनको भी इन चीज़ों की तरफ लेके आया जा रहा है कि तरबियत आप दें, क्योंकि कल्चर हमने अगर डेवलप करना है और बेहतरी की तरफ मुल्क को लेके चलना है तो पॉजिटिव सोच हमें बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम लोग इधर उधर फिर रहे हैं और हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे जब तक हम पॉजिटिव सोच लेके अपने सच की तरफ नहीं चलेंगे तब तक चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया इरम, अभी आपने बात की कि हम लोगों के पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, मैं अपनी जनरेशन, अब से आने वाली जनरेशन की बात करूं, हमारे गोल सेट नहीं है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, या मैं खुद भी बात करूं, मुझसे अगर कभी पूछा जाए तो क्या बनना चाहती थी आप, मुझे, मैं तब भी क्लियर नहीं थी, अभी भी आप किसी बच्चे से पूछें तो वो क्लियर नहीं होता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं कोई वेलफेयर का काम करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर, तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन एट एक फोकस होता है वो नहीं है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है। यस, उसमें भी आंसर वापस पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये है कि जब हम इवॉल्व कर रहे होते हैं, वी आर इन आर फॉर्मेटिव ईयर्स,
तो हम अपनी कम्युनिटी से इनहेरिट कर लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स अगर सारे डॉक्टर्स हैं फैमिली में, तो मैंने भी ऑब्वियसली मेरी एक नेचुरल ऑटोमेटिक चॉइस वुड बी दिस कि मैं भी उसी प्रोफेशन में जाऊं. बट जैसे मैंने कहा, मुझे अगर मेरी स्ट्रेंथ का पता होगा कि मैं पेंटिंग में ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, मैं सिंगिंग में ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, मैं किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए इस टाइम और स्पेस से बाहर चले जाती हूँ, एनीबडी या आपका वो एनवायरनमेंट, वो कल्चर जिसमें लोग अपनी स्ट्रेंथ्स को ओन कर सकें और उसमें ग्रो कर सकें, दे वुड इवेंचुअली टेक यू टूवर्ड्स योर पर्पस एंड मीनिंग. क्योंकि आप ओवरनाइट पर्पस एंड मीनिंग नहीं डिस्कवर कर सकते, आपको डिफरेंट रूट से जाते जाते पता चलता है कि मे बी दिस वॉज द वन थिंग दैट आई वॉज डेस्टिन टू कम. और अभी अगर आप उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें, मैं बार बार प्रेस कर रही हूँ कि इट्स नॉट बाय जस्ट सेइंग कि आप ये कर लेंगे और वो चीज़ हो जाएगी. आपको पूरी पैराडाइम शिफ्ट चाहिए. जो हमारा सोचने का अंदाज है, इसको बदलने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी ना. आपने कुकिंग, ड्राइविंग, कोई भी डिग्री अल्लाह के भरोसे पे तो नहीं ना सीखी. आपने उसको प्रैक्टिस किया, आपने कहा कि जी मुझे कुकिंग सीखनी है या मुझे ड्राइविंग सीखनी है फॉर दैट मैटर. ये पॉजिटिव थिंकिंग भी एक स्किल है जो आप मेहनत करेंगे उसके ऊपर तो आप आएगी. सिर्फ वही बात है, सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ अपना बिकॉज मैं बार बार इसको प्रेस ये कर रही हूँ कि जब आप सोच करने के लिए निकलेंगे, फिर आप पूछेंगे अच्छा हम कैसे कर सकते हैं. कैसे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. आपका जो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है. कॉन्शियस माइंड को साइकोलॉजी में क्रिएटिव माइंड कहा जाता है. और साइंस सेज कि हम डे टू डे लाइफ में सिर्फ 5% कॉन्शियस लाइफ जी रहे होते हैं, 95% हम अनकॉन्शियस विच इज ऑटोमेटिक एंड प्रोग्राम्ड. आपको पता होता है आपने इस रूट से इस ऑफिस में जाना, ये काम करना है, और रेगुलर पैटर्न पे आप चल रहे होते हैं. यू आर लिविंग ओल्ड मेमोरीज. जो आप कह रहे हैं हैबिचुअल माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ट्रेन करने के लिए, उसे टेम करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, वो है रेपिटेशन. आप एक काम करना चाहते हैं, बार बार रिपीट कीजिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट. लवली. अच्छा जनाब, आज के टॉपिक पॉजिटिव थिंकिंग फ्यूचर प्लानिंग्स में बात करें, एक छोटे छोटे मैसेज अपने दोनों मेहमानों से लेंगे. रुखसाना मैडम, आप कोई मैसेज देना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से हमारे देखने वालों को? मैं तो यही चाहूंगी जी, आज इस वक्त जो हमें शदीद ज़रूरत है वो ऐसी सोसाइटी की है जहाँ बिल्कुल सच बोला जाए और मेहनत की जाए. ये दो चीज़ें अगर हम लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह वो पॉजिटिव थिंकिंग, उसको हम डेवलप करने में और अपने मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे. ओके, आई वुड से कि डू नॉट काउंट बिग चेंजेस. ये स्मॉल चेंजेस जो डे टू डे लाइफ में आप थोड़ी 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 करके एड ऑन करते हैं, जैसे कि आपका पहला आज जैसे एक एक्सपोजर आपको मिल रहा है कि आप इस एरिया को जो है वो आप अवेयर हुए हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू करते हुए बहुत छोटे गोल्स रखिए और उनको फिर बिल्ड करते जाइए ओवर द टाइम. हमेशा ये छोटे स्मॉल स्टेप्स इवेंचुअली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा विजिबल और मैसिव चेंज लेकर आते हैं एज ए होल अगर आप देखें तो. थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिसिएट दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच इरम, बहुत शुक्रिया मैडम आपका. आपका भी बहुत शुक्रिया. आज के टॉपिक का पर्पस यही था कि पॉजिटिविटी, और मेरी पर्सनली हम जागो लाहौर पे ये कोशिश करते हैं कि आजकल का जो दौर है इसमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं पीछे रह जाए. हम हर चीज़ में कोई ना कोई नेगेटिव बात ज़रूर ढूंढते हैं, और पॉजिटिविटी अगर आप बांटेंगे, पॉजिटिविटी समेटेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे, आप दूसरों को भी खुश रहने देंगे, खुश देख सकेंगे, तो उससे एक जो माशरा है जिसमें बहुत सारी ऑलरेडी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी ऑलरेडी मसाइल हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी एक पॉजिटिव चेंज लाकर उसको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं. आप देखते रहिए जागो लाहौर.